हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो एक बार फिर से आप सभी के साथ हैं लेट शुरू इसलिए हुई है क्योंकि अमित सर ने लेट छोड़ी थी क्लास आज अमित सर ने आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया था तो इस वजह से ये क्लास भी अगली क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि रात में जो एडिटर होते वो नहीं होते स्टार्ट करने वाले जो मेन एडिटर होते हैं तो बाकी जो कम अनुभव वाले होते हैं जिनको कम एक्सपीरियंस होता है तो वो कराते हैं तो थोड़ी सी देर हो जाती है पर कोई बात नहीं ये मैंने टॉपिक वो चुना है कि जो मैंने बायो में नहीं कराया ठीक है प्लांट किंगडम मैं बोला थोड़ा सा प्लांट किंगडम आप लोग समझदार हो सी वाले तो थोड़ी सी प्लांट किंगडम समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा यहाँ से सीखिएगा और फिर कुछ ना कुछ आपको खुद से आता होगा तो दोनों को मिला अपना काम हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं कम आओ ज्यादा आओ फर्क उस बात से नहीं पड़ता क्योंकि अब पेपर आ गया है चलिए शाबाश क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट देखो आपके पास कई तरह के प्लांट होते हैं कुछ प्लांट में आपने देखा कि पूरी तरीके से वो विकसित होते हैं विकसित कहने का मतलब है कि उनके अंदर वॉस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जाइलम फ्लोएम होती है उनके अंदर क्या होती है जाइलम फ्लोएम आपको पता है फ्लोएम का काम क्या होता है कि सर ये जो खाना बनता है पत्तियों में जो लीव में खाना बनता है उस लीफ के बने हुए खाने को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है किसके बॉडी पार्ट्स में पेड़ के बॉडी पार्ट्स में सर जो जाइलम होता है जाइलम का काम होता है नीचे से रूट की तरफ से ऊपर तक वाटर एंड मिनरल लेके जाता है वाटर एंड मिनरल लेके जाता है तो एक तरह के तो प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें वास्क्यूलर टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं जो खाने का जल का और खनिज पदार्थों का एक जगह से ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं सेकंड तरह के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनमें मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं होता उनमें आप उनकी जो बॉडी होती है एक थैले जैसी होती है थैले जैसी बॉडी होती है ना उसके अंदर आप बता सकते हो कि कहाँ पे लीफ है ना बता सकते हो कि कहाँ पे उसका स्टेम है तना है ना बता सकते हो कहां पे रूट्स है ना बता सकते हो कहां पे वास टिश्यूज हैं मतलब जाइलम और है तो एक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने प्लांट किंगडम को दो पार्ट में बांटा उन्होंने किसको बांटा दो पार्ट में तो सबसे पहले हो गए क्रिप्टोगेमी प्लांट को कितने पार्ट्स में बांटा क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी तो समझिएगा क्रिप्टोगेमी आपने करेंसी हाँ का नाम सुना होगा क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी मतलब गुप्त गुप्त मतलब जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही जो आपके सामने नहीं है उसी को तो हम क्रिप्टो कहते हैं गुप्त कहते हैं तो इसका मतलब जो क्रिप्टो गेमी ग्रुप के पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं इनमें कभी भी सीड्स नहीं आते फ्लावर्स जब ये फ्लावरी नहीं होते तो सीड्स कहां से बनेंगे क्योंकि तो याद रखिएगा क्रिप्टोगेमी मतलब क्रिप्टो क्रिप्टो माने गुप्त जिनके अंदर कभी भी फ्लावर और सीड्स नहीं आते कभी भी नहीं आते दूसरे होते हैं फेनोरोगे दूसरे क्या होते हैं इसमें सीड्स आते हैं क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी को फिर आगे बांटा गया जो क्रिप्टोगेमी है उसको तीन पार्ट्स में बांटा गया एक को बोला गया थेल थेलोफाइटा दूसरे को बोला गया ब्रायोफाइटा और तीसरे को बोला गया टेरिडोफाइटा क्या बोला गया टेरिडोफाइटा और जो आपका फेनरोगेमी है उसको बोला गया जिम्नोस्पर्म और एनजीओ स्पर्म जिम्नो मतलब नेकेड सीड्स की सीड्स खुले हुए हैं नेकेड सीड्स हैं और एनजीओ स्पर्म मतलब सीड्स के ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग है सीड्स के ऊपर क्या है? कुछ ना कुछ कवरिंग है फिर एनजीओ स्पर्म को फिर से दो में बांटा गया मोनोकोट और डाइकोट मोनोकोट मतलब जब पौधा जमीन से बाहर आता है तो उसकी एक पत्ती बाहर निकलती है या दो पत्तियां बाहर निकलती हैं दो निकलती हैं तो डाइकोट एक निकलती है तो मोनोकोट एक बात कभी कभी आपको पढ़ने के लिए मिलती है कि जो टेरिडोफाइटा वाले ग्रुप के पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा ये ग्रुप है ना टेरिडोफाइटा इसी को जिम्नोस्पर्म और कहते हैं कुछ किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि टेरिडोफाइटा को ही आगे जाके कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में जिम्नोस्पर्म एंड एनजीओ चलिए शाबाश तो क्रिप्टोगेमी मतलब जो फ्लावर और सीड कभी भी नहीं देते इसका मतलब जब शुरुआत में प्लांट की लाइफ बन रही होगी धरती पे जब पहला जीवन आया था तो आपको पता है धरती पे जीवन कहां से आरंभ हुआ था? धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी समुद्र से समुद्र से जमीन पर जमीन पर प्लांट बनने लगे तो शुरुआत में ऐसे प्लांट बने थे जिनके ऊपर पौधे के ऊपर फ्लावर और सीड्स फूल और बीज नहीं होते थे इसलिए हम इनको प्रीमेटिव कहते हैं पुराने जमाने के क्लियर है तीन ग्रुप होते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा तो थैलोफाइटा मतलब बिल्कुल सिंपल इनकी जो बॉडी की डिजाइन होती है बिल्कुल सिंपल होती है जैसे अमीबा आप कहते हो ना कि सर ये अमीबा जो होता है ना ये दुनिया में सबसे पहले आया बहुत पुराने जमाने पहले तो जब आप अमीबा की डिजाइनिंग देखोगे तो अमीबा की जो बॉडी है अमीबा की जो शरीर है क्या कभी आपको लगा कि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसका मुंह कहीं पर है उसके पैर कहीं पर है तो आपने ध्यान से देखने पर जाना कि अमीबा का बिल्कुल सिंपल डिजाइन होता है तो इसी तरह जब पुराने जमाने के सबसे पहले पौधे बने तो उनका भी डिजाइन कैसा रहा होगा बिल्कुल सिंपल ना ना उनमें कोई स्टेम उनका कोई रूट्स का पता था ना उनके किसी शूट सिस्टम का पता था ना तो जड़ का पता था ना बीच के तने का पता था ना ऊपर के हिस्से का पता था मेरी बात समझ रहे हैं ना क्रिप्टोगेमी क्रिप्टो माने बिल्कुल एकदम क्रिप्टो माने होता है गुप्त गुप्त मतलब जिसमें ना तो सीड्स होते हैं सीड्स भी छुपे होते हैं भाई जब भी आपने कोई पौधा देखा तो आपके दिमाग में दो चीजें आती हैं कि उसमें बीज हो सकता है और उसमें फ्लावर हो सकते हैं लेकिन इसमें आपके फूल और बीज दोनों ही छुपे हुए हैं छुपे हुए मतलब इन इनपे कभी लगते ही नहीं है ना कभी फूल देखेगा आपको और ना ही कभी उसके बीज जब फूल नहीं होगा तो बीज कहां से होगा तो इस तरह को क्या बोल देते हैं क्रिप्टोगेमी तो पहला इसका टाइप क्या हो गया थैलोफाइटा मतलब सिंपल एंड प्रिमिटिव प्लांट बॉडीज अनडिफ्रेंशियटेड सिर्फ ऐसा लगता है जैसे सेल का लो सा बना दिया हो कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होते कि खाना खाने के या खाना बनाने के अलग टिश्यूज हैं खान पानी को पहुंचाने के अलग टिश्यूज हैं जड़ अलग है तना अलग है ऊपर का सिस्टम अलग है कुछ भी नहीं होता एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जब इसकी बॉडी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता तो अलग से जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते जाइलम और फ्लोएम नाम की चीज भी नहीं पाई जाती क्लियर है ये बात चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं शाबाश कुछ कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा ध्यान देना प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम को समझा दूंगा शाबाश क्लियर है इस ग्रुप में एलगी और लाइकन आते हैं इस ग्रुप में क्या आते हैं लाइकन अब कहोगे सर ये लाइकन नाम की चीज क्या है लाइकन नाम की चीज क्या है लाइकन तो इससे जो आपका ये होता है ना लिटमस डाई जो लिटमस डाई होती है लिटमस डाई हमें लाइकन से मिलती है तो देखो कई तरह के भोजन लेने के प्लांट्स में तरीके होते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये भोजन जो प्राप्त करते हैं कई तरीके से प्राप्त करते हैं एक तरीका होता है पैरासाइटिक कि आप किसी दूसरे की बॉडी पे चिपक जाओ जैसे मच्छर मच्छर खाना कहां से लेता है किसी इंसान का खून चूसता है तो इसका मतलब मच्छर जो है वो इस इंसान पे डिपेंड है अपने खाने के लिए इसका खून चूसता है इसी तरह अगर पैरासाइट का समझ में न रहा हो तो आपने एक अमर बेल देखी होगी ये होता है एक प्लांट प्लांट अपना खाना बनाएगा इसके ऊपर एक बेल रहती है पीले रंग की येलो कलर की बेल जिसे कसकटा बोलते हैं या अमरबेल बोलते हैं क्या बोलते हैं कसकटा अब ये प्लांट अपना खाना बनाएगा और इस प्लांट का खाना कौन ले लेगा ये अमरबेल ले लेगी प्लांट के खाने को कौन ले, ले लेगा अमरबेल तो मतलब ये हो गया इसका मेजबान होस्ट और ये हो गया भैया पैरासाइट जो इसके पचे पचाए भोजन को ले रहा है इसके मतलब इसके बनाए भोजन को ले रहा है दूसरा होता है खुद दूसरा क्या होता है खुद खुद, खुद खाना बनाना ऑटोट्रॉफिक जैसे पेड़ पौधे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं एक होता है होलोजॉइक होलोजोइक जो इंसानों में होता है इंसानों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है मानव में होलोजोइक होलोजोइक में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेते हैं हम क्या लेते हैं कॉम्प्लेक्स जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ लेते हैं अपने खाने में फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके उसे सरल सिंपल बनाकर हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं एक इसी तरह से होता है आपका सिम्बायोटिक एक क्या होता है सिम्बायोटिक सिम बायोटिक तो इसको समझ लीजिए सिम्बायोटिक में क्या होता देखो सिम्बायोटिक में जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं एक दूसरे पर कैसे मतलब कोई चीज ये इसके लिए देगी जो इसके लिए फायदेमंद होगी ये चीज बदले में इसको कुछ देगी जो इसके लिए फायदेमंद होगी मतलब एक दूसरे का फायदा कराने के लिए ये दोनों चीजें साथ में आ जाती हैं तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो का एग्जाम्पल लेते हैं में एक होती है फंगस लाइकन में क्या होती है फंगस ऐसे समझ लो ये है फंगस ये क्या है फंजाई इसके ऊपर होती है एलगी इसके ऊपर क्या होती है एलगी इसको बोलते स्टडी कवक। कवक कहलाती है फाइकोलॉजी और ये हो गया हमारा शैवाल बच्चा क्या होता है कि जो कवक होती है ये नीचे से जड़ से क्या लेती है वाटर ले लेती है क्या ले लेती है वाटर या जल वाटर जन और ले लेती है दूसरी तरफ अगर आप एलगी की बात करोगे तो इसके पास वाले पौधे होते है, उनके अंदर जड़ वगैरह नहीं होती जब जड़ वगैरह नहीं होती तो ये अपना पानी वगैरह नहीं ले सकती भाई जो पौधे होते हैं वो पानी कहां से लेते हैं जड़ों के थ्रू तो लेते हैं अब इसके पास तो जड़ ही नहीं है ये पानी कैसे लेगी तो फंगस ने कहा बहन मेरे पास जड़ है मैं पानी तुझे दे देती हूं तुझे खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत है तो फंगस ने उसे क्या दे दिया पानी दे दिया पानी दे दिए मिनरल्स दे दिए कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी उसको जरूरत थी अब बहन मैंने तुझे पानी दिया तो मुझे भी तो वापस में कुछ दे तो उसने कहा बहन तुझे किस चीज की जरूरत है तो उसने कहा बहन मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है जब मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है तो बहन मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकती अब जब मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकती

लिटमस डाई जिससे हम एसिड और बेस चेक करते हैं क्लियर है चलिए यहां तक कोई दिक्कत सबके लिए तो साइंस है आगे बढ़िए सर यहां पे कोई दिक्कत यहां पे कोई दिक्कत तो बताइए अब आ जाता है एलगी एलगी जो होते हैं मतलब इसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि एलगी क्या होते हैं मेरी बात समझ रहे हैं इसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि एलगी होते क्या है, मतलब में एलगी आ जाता है फंगस आ जाते हैं तो वही आपको बताई तो और फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं माइकोलॉजी फोटोसिंथेटिक होते कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इनके अंदर क्या पाया जाता है क्लोरोफिल और ज्यादातर नमी इलाकों में मिलते हैं एक्वेटिक होते हैं कैसे इलाकों में मिलते हैं नम इलाकों में मोइस्ट इलाकों में क्लोरोफिल इनके अंदर टिश्यूज होते हैं ना तो कोई जाइलम होती है और ना ही कोई फ्लोयम होती है उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे क्लोरेला क्लोरेला नाम की एक एलगी होती है जिसका सीवेज सीवेज सिस्टम होते हैं ना जहां आपके घरों की नाली का पानी जाता है वहां पे पानी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे काम आती है क्लोरोला से एक क्लोरेलिन नाम का एंटीबायोटिक भी मिलता है एक आयोडीन एक एलगी होती है जो समुद्र में पाई जाती है जिसका नाम होता है लेमिनेरिया, क्या नाम होता है लेमिनेरिया, उसे उससे आयोडीन मिलता है एक और होती है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया करके इसको अगर अगर बोलते हैं और एक होती है स्पाइरो जिसे पौंड सिल्क बोला जाता है ये एलगी के नाम एलगी को मैंने पहले भी पढ़ा रखा है बायोलॉजी की प्ले में चलिए उसके बाद में आ जाता है आपका एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके बाद में आ जाता है फंगस फंगस को बोलते हैं कवक तो कवक क्या होती है इनके अंदर भी नॉन वेस्कुलर दूसरे पे डिपेंड होते हैं हिट्रोट्रोफिक एक बात ध्यान देने वाली बात है कि एलगी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं स्वपोशी अपना खाना खुद बनाते हैं जबकि जो एक कवक होती है ये हिट्रोट्रॉफिक होती है मतलब विषम पोशी ये दूसरों पर खाने के लिए डिपेंड होती है फंगी को क्या बोलते हैं कवक और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं माइकोलॉजी ये खाने के लिए किस पे डिपेंड होती है दूसरे पे डिपेंड होती है स्पोर्स बनाते हैं अपना जो रिप्रोडक्शन करते हैं किसके थ्रू बनते हैं स्पोर्स के थ्रू करते हैं और इसकी जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी होती है किसकी बनी होती है चिटिन की काइटिन की जबकि फंग, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है काइटिन की और जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है सेल्यूलोज की ये दिमाग में रखिएगा जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्युलज की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पैप्टीडो ग्लाइकेन की अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे अल्बुगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट होता है ये जो मतलब आपका गेहूं वगैरह होता है इसकी एक बीमारी फैलाती है इसी तरह पुशीना ग्रेमिसियस ट्रिटिकी ये ब्लैक रस्ट नाम की डिसीज होती है वीट पे राइजोपस स्टोलोनीफर फ्यूमेटिक एसिड एस्पर जिलस एस्पर जिलस ये एफलक्टिक्स ये एक एफलक्टिक्सन नाम का पदार्थ छोड़ती है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होता है एस्पर जिलस शाबाश बलराम सीजीएल 2018 के लिए पढ़ाई कीजिए बच्चा हम लोग क्लास का अरेजमेंट करेंगे डोंट वरी बिल्कुल सही पेप्टिडोग्लाइके बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इस बार भी आने के चांस हैं सर आगे लगाइए पानी चाहिए था मुझे ठीक है उसके बाद में आ जाता है आपका अगेरी सस मशरूम देखे आपने मशरूम तो मशरूम जो एक छतरी सी होती है तो मशरूम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मशरूम की जो बॉडी होती है इस तरह के कुछ सिंगल सिंगल थ्रेड से मिलके बनी होती है ये होते हैं ना इसको हाइफे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हाइफे ओके माइकोटॉक्सिन होता है मतलब ए, ए, एफले, एफले जो होता है ये कवक का टॉक्सिन होता है जहर होता है चलिए विट्टे कर की जो फाइव किंगडम थी उनमें फंगस को एक अलग से सेपरेट किंगडम में रखा है अभी हम किसके साथ पढ़ रहे प्लांट्स के साथ हालांकि जो विट्टे ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसका क्लासिफिकेशन याद है किसी को प्रोटिस्टा मोनेरा फंगस प्लांट एनिमल याद है ना एलगी को प्लांट्स के अंदर रख दिया था फंगस मतलब क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो टेकर का कहना था कि जब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो इसको प्लांट्स के अंदर रखने की जरूरत क्या है ठीक है भैया चलिए आगे बात करेंगे लाइकंस तो लाइकंस के बारे में तो मैंने अभी बताया कि लाइकंस क्या होता है एलगी और फंगस की सिंबायोटिक रिलेशनशिप होती है नेक्स्ट सर श्री अब पता ही नहीं है बच्चा ये कुछ पता नहीं चल रहा कि बायोलॉजी का रोल होगा नहीं होगा अब आ जाते ब्रायोफाइटा सबसे पहले आपने क्या पढ़ा क्या पढ़ा थेलोफाइटा जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता था कोई भी वस्कुलर टिश्यू वगैरह नहीं होते थे अब क्या आ जाएगी ब्रायोफाइटा अब क्या आ गई ब्रायोफाइटा अब देखिए ब्रायोफाइटा अभी आपने एक चीज गौर की थी कि जो थैलोफाइटा होते थे जैसे कि एल्गी ये मेनली कैसे होते थे एक्वेटिक एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले अब पानी से लाइफ कहां पे आएगी जमीन पे आएगी तो ऐसे पौधे होंगे जो पानी में भी हो सकते हैं जमीन पे भी तो उस कमी को कौन पूरी करती है ब्रायोफाइटा कौन उस कमी को पूरी करती है ब्रायोफाइटा तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पर भी उग सकते हैं मतलब ऐसे पौधे जो पानी और जमीन दोनों पर पाए जाते हैं संजय बच्चा मैं लाऊंगा रुको बाबू थोड़ी देर बच्चा यार तुम समझ नहीं रहे हो मेरे पास कोई बैकअप नहीं है मेरे पास वो नहीं है कि तुम मैं कैसे बताऊं तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब जुड़े हुए हैं मैं ये क्लास चला पा रहा हूँ बहुत बड़ी बात मैं जल्दी कोशिश में हूँ बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा चैनल और बढ़ जाएगा ना तो बहुत अच्छा सा मैं सारी चीजों को ला दूंगा अभी सेकंड स्टूडियो तक बनेगा तभी ये हो पाएंगी क्योंकि एक से तो चौबीस घंटे क्लास चल रही है आप देख रहे हो ठीक है तो ये क्या होती है इनके अंदर भी कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते रूट्स भी नहीं पाई जाती और ये डैम्प और शेडी छायादार छायादार और जो नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, नमी और छायादार वाले स्थानों पर एम्फीबियन कहते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रिकिया मर्चेंटिया फ्यूनेरिया सबसे छोटा ब्रायोफाइट होता है जूपसिस सबसे बड़ी मॉस होती है डोसोनिया और स्फेगेम स्फेगनम नाम की एक चीज होती है अगर आपका घाव हो जाए तो उसको लगाया जाता है घाव की पट्टी वगैरह करने में अगर आपको वुंड हो जाए, ओके? नेक्स्ट आ जाता है टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा का मतलब है फर्न और फाइटा का मतलब है प्लांट मतलब ये ऐसे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिनकी बॉडी में रूट्स भी होते हैं जिनकी बॉडी में स्टेम भी होता है जिनकी बॉडी में लीफ भी होती है मेरी बात समझ समझना कौन से प्लांट होते हैं तो तीसरे वाले आ जाते हैं आपके टेरिडोफाइटा सीडलेस होते हैं क्या होते हैं टेरिडोफाइटा फाइटा टेरिडो फाइटा ये कैसे होते हैं सीडलेस क्रिप्टोगेमी होते हैं मतलब इसमें बीज रहित तो होते हैं बीज नहीं पाए जाते रूट्स भी पाई जाती हैं जड़ भी पाई जाती है जाइलम फ्लोएम भी पाई जाती है जाइलम फ्लोएम भी पाई जाती है ठीक है वस्क्यूलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इनकी मोटाई नहीं बढ़ती है इनकी मोटाई नहीं बढ़ती है सेकेंडरी ग्रोथ इनमें एबसेंट होती है इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ठीक है आगे ठीक है अभी है ना मैं जल्दी लूंगा उसकी क्लास एनडी के बारे में टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट आ जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स इसमें क्या होते हैं दो मेजर पार्ट होते हैं फेनेरोगेमी फेनेरोगेमी फेनेरो होते हैं जिनके अंदर सीड्स सीड्स और फ्लावर होते हैं सीड्स और फ्लावर पाए जाते हैं दो पार्ट्स में होते हैं जिनके, क्या जाता है? जो दूसरे होते हैं जिनके क्लोज, सीड्स होते हैं उनको कहा जाता है एंजियो एंजियो में अलग एक जब जमीन से पौधा निकलता है तो उसके अंदर एक पत्ती होती है तो उसको कहा जाता है मोनोकोटिलो मोनो कॉटिलिडोन अगर उसके अंदर दो पत्ती होती है जमीन से निकलने पर तो उसको बोला जाता है डाईकोटिलोडीन डाइकोटी लिडोन ठीक है चलिए निधि बच्चा बाबू बाबू ये बायोलॉजी है बायोलॉजी को ज्यादातर अधिकतर इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है फिर भी मैं बीच बीच में आपको बतेखो, क्या बता बता रहा हूं मैं आपको क्या बताया नेकेड मतलब खुले हुए जिम्नोस्पम को जिम्नोस्पम ही कहा जाएगा क्लोज सीड मतलब इनके जो बीज होते हैं वो बंद होते हैं यहां पर मैंने बताया कि इनके अंदर बीज पाए जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड इसमें जाइलम होता है फ्लोएम होता है वाटर और फूड के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक क्या होता है इसमें कि में आउटर कवरिंग नहीं होती सीड्स के आसपास सीड्स के आसपास मतलब कवरिंग नहीं होती सीड्स के चारों तरफ और इसमें जो पोलिनेशन होता है इसमें जो पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे एक प्लांट तक जाते हैं वो एनिमोफॉली होता है मतलब विंड से होता है किससे होता है विंड से होता है एग्जाम्पल है साइकस 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 मतलब नोस्टॉक और एनाबीना की सिंबायोटिक रिलेशनशिप होती है याद रखिएगा नोस्टॉक और एनाबीना इन दोनों की ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है नोस्टॉक और एनाबीना इन दोनों की रिलेशनशिप होती है तब क्या बनता है साइकस उसके बाद में पाइनस इससे रेसिन और टर्पेंटाइन मिलता है रेशे मिलते हैं और टर्पेंटाइन ऑयल जो कहते हैं लिविंग फोसिल कहा जाता है जिंग को उसके बाद में एफिड्रा इससे एफिड्राइन नाम की एक ड्रग मिलती है एक दवाई मिलती है और सिकोइया सबसे बड़ा पौधा क्या कहा जाता है सिकोइया आगे डबल सीड और बताइए नहीं बच्चा अंकित आज ये फिर बायोलॉजी सही से शुरू करूंगा रुको कुछ समय बाद बायोलॉजी सही से शुरू करूंगा चलिए आगे आ गया जाते हैं एनजीओ जो एनजीओ स्पर्म होते हैं इनके ऊपर सीड्स पाई जाती हैं, एनजीओ के ऊपर क्या पाए जाते हैं सीड्स पाए जाते हैं फ्लॉवरिंग होती है इनके अंदर जो सीड्स होते हैं सीड्स के चारों तरफ फ्रूट होता है ये क्या होता है फ्रूट की फ्लैश होती है फ्रूट की फ्लैश होती है इनके अंदर सीड छुपे रहते हैं बाहर नहीं होते इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है स्पम में, और जो फ्लावर्स होते हैं जनरली बाई होते हैं पत्रों में फीमेल और मेल दोनों तरह के पाए जाते हैं इनको दो में बांटा जाता है मोनोकोटी और डाइकोट जैसे मेज और ग्रास मोनोकोट और डायकोट होते हैं रोज रोज कॉटन सनफ्लावर मोनोकोट का मतलब है कि जब ये जमीन से निकलते हैं ये जमीन है जमीन से निकलते हैं तो इस तरह की इनकी पत्ती बनती है और एक एक ही पत्ती सी, सिंगल और जो दूसरे होते हैं डाइकोट इनमें दो निकलती हैं। इस तरह से समझ लेना ये मोनो ये डाई अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो एलिमेंट को तो कई तरह से बांटा जाता है चलिए ऊपर कीजिए अब समझिए जब भी आप किसी भी किंगडम को बांटते हो जब भी आप किसी भी किंगडम को बांटते हो तो आपके पास कितनी चीजें होती है बांटने के लिए बताइए फटाफट के पी सी ओ एफ जी एस यही होता है ना के पी सी ओ एफ जी एस सबसे पहले किंगडम आती है जिसको जगत बोला जाता है फिर फाइलम आती है फिर क्लास आती है फिर ऑर्डर आता है फिर फैमिली आती है फिर जीनस आती है फिर स्पेसिस आती हैं फिर क्या आती हैं स्पेसिस सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है स्पेसिस और सबसे बड़ी क्या होती है किंगडम तो इस बेसिस पर बांटते हैं अब हमने देखा कि किंगडम के हिसाब से जो प्लांट किंगडम तो अभी हमने पढ़ी अब आ जाती है एनिमल किंगडम पे और एनिमल किंगडम कितने टाइप की होती है ये समझने की कोशिश करते हैं आगे शाबाश शिखा परेशान हो बेटा देखो क्वेश्चन भी कराऊंगा इस बार आप परेशान मत हो जरा अभी थोड़ा सा परेशान गए हो क्या होगा तो सबसे पहले दे रखिए सबसे छोटे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं और कैसे होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं सारी की सारी डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन डाइजेशन निर्दोष वो जो जमीन से बाहर निकलते हैं ना तो लीफ भी एक ही निकलती है सिंगल सीड और डबल सीड का मीनिंग नहीं है वो अलग हो जाता है ठीक है तो ये हो जाता है यूनिसेलुलर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं डाइजेशन से लेकर पाचन श्वसन प्रक्रिया उत्सर्जन रिप्रोडक्शन ये सब एक सेल करता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमीबा 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 जो अपना खाना लेता है ना इस तरह से उंगली लाइक -like स्ट्रक्चर बना देता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मानो यहां पे खाना है इनको बोलते हैं सीडोपोडिया क्या बोलते हैं इनको स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट ऐसे दिखते हैं जैसे इसके हाथ हैं लेकिन इसकी शरीर की बॉडी होती है अब ये खाना इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है क्या हो जाता है डिफ्यूज इसको डाइजेस्ट करता है जो वेस्ट होता है इसकी बॉडी से बाहर डिफ्यूज हो जाता है वेस्ट बाहर डिफ्यूज़ खाना अंदर इनको बोलते हैं सीडोपोडिया ठीक है तो ये एक ही सेल होता है जिससे पूरा का पूरा डाइजेशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एक्सक्रेशन सब कुछ हो जाता है पैरामीशियम प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया फैलता है एक से ही सारे काम हो जाते हैं फाइलम को आजकल किंगडम ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसकी एक अलग से ही किंगडम बना दी गई है जिसको प्रोटिस्टा बोलते हैं सबसे पहले आता है ना प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकेरटिक एक तो होते हैं मोनेरा मुनेरा में क्या आता है यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक दूसरी फाइलम मतलब दूसरी क्या होती है किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें क्या आते हैं यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक चलिए नेक्स्ट आ जाता है पोरीफेरा पोरीफेरा में होते हैं मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स ज्यादा वाले एनिमल्स और ये सारे के सारे कहां पाए जाते हैं मेराइन वाटर में पाए जाते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है पोरस बॉडी इसको याद रखिएगा इनकी बॉडी कैसी होती है पोरस बॉडी जैसे ये है ये कोई एनिमल है इसकी बॉडी पे यहाँ पे छोटे छोटे छेद होंगे क्या होंगे छोटे छोटे छेद तो इसको क्या होंगे पोरीफेरा पोर्स भाई इसके बॉडी पे क्या मिलेगा छोटे छोटे छेद मिलेंगे छेद की हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं पोर्स तो इसलिए इसको क्या कहते हैं पोरीफेरा और इन छेदों को स्पेशली बोला जाता है ऑस्टिया क्या बोला जाता है ऑस्टिया इनकी जो स्केलेटन बनी होती है वो छोटे छोटे कैल्सीरस या सिलिकॉन वाले जो होते हैं कैल्सीरस या सिलिकॉन के छोटे छोटे सेल से बनी होती है मतलब छोटे छोटे स्पाइक से बनी हुई होती है इनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं इसका एग्जांपल है स्पॉन्ज स्पों आगे पोर बियरिंग तो पोरी फेरा मल्टीसेलुलर होते हैं मेराइन वाटर में उसके बाद में आ जाता है सीलन्ट रेटा। सीलन्ट रेटा। तो देखो ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं पानी में पाए जाते हैं और इनपे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके मुंह पे जिसकी मदद से खाना लेते हैं तो इनकी मुंह पे क्या होते हैं जैसे इनका ये मुंह है तो इनके मुंह पे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं टेंटिकल्स जिनकी मदद मतलब से खाना पकड़ते हैं मान लो दो हाथ जिसकी मदद मतलब से खाना पकड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सीलन ट्रेटा तो टेंटेकल्स मतलब टीरेटा सीलन ट्रेटा जैसे कि हाइड्रा 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 कौन से फाइलम का हिस्सा है सीलन ट्रेटा का और हाइड्रा में रीजनरेशन है हाइड्रा को काट के आप दूसरा हाइड्रा कर लोगे तो वहां से भी वो हो जाएगा ओके जेलीफिश 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 सीलन ट्रेटा में आती है याद रखिएगा चलिए आगे फ़ाइलम लेटी हेलमेंथिस। इनको फ्लैट भी बोलते हैं पेट पेट के कीड़े, पेट के कीड़े, कीड़े आते हैं? फ़ाइलम लेटी इनके अंदर ना तो कोई स्केलेटन होता है ना तो इनका कोई बाहरी कंकाल तंत्र होता है हड्डी वड्डी नहीं होती इनमें ना ही कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बस इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके द्वारा ये फूड को लेते हैं और एक्सक्रीट कर देते हैं प्लेनेरिया, पेट के कीड़े, टेपवॉर्म। तो देखो लेटी हेलमेंथिस जो प्लेटवॉर्म जो फ्लैट होता है ये अगर आपको बीमार कर दे तो आपको लेटना पड़ेगा ना तो लेटी हेलमेंथिस फ्लैट वेप लिवर फ्लूक प्लेन एरिया ठीक है ये हमारे पेट में पाए जाते हैं इंटरनल पैरासाइट हमारे आँत में पाए जाते हैं पेट के कीड़े आगे ने इसको थोड़ा बड़ा कर दो नीचे वाले को ऊपर को हटा दो अब आ जाता है फाइलम एसकेल एसक हेलमेंथिस वो तो हो गया ऊपर लेटी हेलमेंथिस नीचे आ जाता है एस केल मिंथिस एस केल मिंथिस इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी कैसी होती है जैसे सिलेंडर होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड कि कहां पे प्लेट कहां पे पेट है कहां पे क्या है ये बटा हुआ नहीं होता यूनिसेक्सुअल होते हैं सिंगल सेक्स और इनको नीमा या राउंड वॉर्म भी बोला जाता है जैसे लेटी हेलमेंटिस तो आप फ्लैट लेटते हो ना बिल्कुल ऐसे लेटी हेलमेंटिस इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है तो इनको क्या कहा जाता है राउंड वॉम कहा जाता है क्या कहा जाता है राउंड वॉर्म ओके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है कोई सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता लेकिन नर्वस सिस्टम होता है अच्छे से याद कर लीजिएगा आपसे पूछेगा कि लेटी हेलमिंथिस में नर्वस सिस्टम होता है नहीं होता नहीं होता किसमें होता है एसकेल हेलमिंथिस में होता है एसकेलमिंस में, एस में एक्सक्री एक्सक्रीशन जो होता है बेटा हमारे यहां सीबीटी टू की क्लास चल रही है और जो बेवकूफ है जिनको उनका पहले से अंदाजा है तो पूरी हिस्ट्री कर लो कितना आया है कितना नहीं आया अच्छा लगे ले लो नहीं लगे तो मत लो हमारे यहां सुबह पांच से चलती है पांच बजे से छह बजे तक साइंस सात से छह बजे से सात बजे तक मैथ करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्दी आ रही है दूसरी बात इतना आप लोगों ने सीबीटी वन के लिए ट्राई किया है और अब आप आगे आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से करें बल्कि चाहे तो अब हाथ पैर आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि आपके पढ़ना बस की नहीं है तो अलग बात है वरना बहुत सारा रिसोर्सेज है आप अपनी आई, आई की किताबों को खोलोगे बहुत सारी चीजें आपको वहां से भी मिल जाएंगी आगे आ जाता है आपका ये ज्यादातर पैरासिटिक होते हैं सॉइल में पाए जाते हैं जैसे एस्केरिस और थ्रेडबॉम तो एस्केरिस तो यहीं से पता चल जाएगा एक याद कर लेना थ्रेड बॉम इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम चलिए आगे थ्रेड वॉर्म इचिंग वगैरह होती है और वॉमिट फील करते हैं और इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो चार पाई में टॉयलेट भी कर देते हैं जो बच्चे होते हैं नेक्स्ट आ जाता है एनी लीडा एनी लीडा में क्या होता है ये वॉर्म्स होते हैं एनी लीडा ये वॉम्स जो होते हैं इसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है बॉडी क्या होती है पार्ट्स में बटी हुई होती है जैसे हमारी बॉडी सेगमेंटेड हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है नीचे पैर हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी वेल well डेवलप होती है नर्वस सिस्टम भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा होता है रेड एनी लीडा, रेड। स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं और नेफ्रिडिया से करते हैं एक्सक्रीशन। स्किन के थ्रू क्या करते हैं रेस्पायर और नेफ्रिडिया नाम की एक चीज होती है जहां से एक्सक्रीशन और अर्थवॉम किसकी श्रेणी में आता है एनी लीडा अर्थवोम अर्थवॉम का एग्जाम्पल है नेरीसिस होते हैं एनी और इनकी जो बॉडी होती है ये चिटिन से बनी हुई होती है किसकी बनी होती है चिटिन की जिसको इकट्ठा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर इकट्ठा करते हैं फिर आगे आपने जोंक देखी होगी ना जोंक अपनी बॉडी को इकट्ठा करती है फिर आगे सरक जाती है इसी तरह जो अर्थवॉम होता है गिंडोया केंचुआ वो भी ऐसे ही होता है Earthworm के चार हर्ट होते हैं अच्छे से याद रखिएगा अर्थवर्म के कितने हर्ट होते हैं चार हर्ट रेड कलर की इसका खून होता है चार हर्ट होते हैं और मेल और फीमेल दोनों सेक्स होते हैं। इसको क्या कहा जाता है हर मेफ्रोडाइट। हर मेफ्रोडाइट। मतलब मेल और फीमेल दोनों तरीके के ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं और इसकी जो बॉडी होती है वो एसिडिक बेसिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सबके लिए एक जैसी होती है अमन कुमार अच्छे से पढ़ाई की मतलब अच्छे से तैयारी कीजिए बच्चा अमन दिसंबर में आपका एसएसबी है तो बहुत खुशी की बात है क्लियर है सेगमेंटेड होते हैं बॉडी छोटी थिन और सॉफ्ट होती है बहुत ज्यादा एसिडिक बेसिक और बाकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए भी क्या होते हैं ये

एबडोमन और चारों तरफ चिटीनस एक्सो स्केलेटन होता है मतलब बाहरी कंकाल होता है इनका कंकाल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम ओपन ओपन होता होता है सर्कुलेटरी क्या होता है हमारा है सर्कुलेटरी क्या हमारा मतलब हमारा में प्योर ब्लड और इमप्योर ब्लड अलग अलग बहता है इनमें प्योर और इमप्योर मिलके बहता है कॉकरोच के हार्ट में तेरह चैम्बर होते हैं और स्पाइरेकल्स होते हैं ट्रेकिया ट्रेकिया मतलब इसके लंग्स कह लीजिए जो बॉडी के सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें ट्रेकिया बोला जाता है इनके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं इनको बॉडी लंग्स भी कहा जाता है इंसेक्ट जो होते हैं उसके छ फीट चार पंख होते हैं अच्छे से याद कर लीजिए इंसेक्ट जितने भी होते हैं इसके कितने पैर होते हैं छ पैर छ पैर सिक्स फीट या छ पैर होते हैं छह टांग होती है इसकी और चार विंग्स होते हैं जैसे कॉकरोच प्रोन क्रेब, बग हाउस फ्लाई बग होता है ये जो खाट का खटमल होता है हाउस फ्लाई मॉस्क्यूटो और बीज ये सब इंसेक्ट होते हैं तो चार तो होते हैं उसके पंख ध्यान से देखोगे मच्छर के भी चार होते हैं और छह होती है टांग किस किसने देखा है नहीं होंगे किसी कोई भी जिसका नंबर आ गया सीबीटी टू में वो बाहर नहीं होगा अभी मैं एक मच्छर मार के दिखाता हूं कितने टांग होते हैं आने दो कोई हेल्दी सा ट्रेकिया हमारे होता है हमारी विंड पाइप को ट्रेकिया बोलते हैं बच्चा और ट्रेकिया इनके बॉडी पे टेंटेकल्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स के कितनी होती है छह और एक अरेक्निड्स नाम की चीज होती है इसके आठ लेग होती है जैसे स्पाइडर इंसेक्ट्स के छह

जैसे बिच्छू वगैरह। चलिए आगे ओके नितिन जी ठीक है भैया तो इंसेक्ट के कितनी होती है छह टांग और जबकि जो मकड़ी है स्पाइडर उसके कितनी होती है आठ टांग छह टांग मतलब तीन जोड़ी टांग थ्री पेयर्स और आठ टांग मतलब एट जोड़ी टांग एट पेयर्स अरे फीमेल मच्छर हो तो भी छह मेल मच्छर हो तो भी छह मच्छर तो मच्छर है अब मेल फीमेल से उसका क्या संबंध ये कह सकते हैं जो खून चूसता खून चूसने वाला मच्छर है वो फीमेल है डेंजरस नहीं होता ज्यादा मात्रा में चले जाए तो डेंजरस भी इचिंग होती है फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है आगे आ जाता है फाइलम मॉल्यूस का इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है अनसेगमेंटेड होती है लेकिन डिविजन रहता है हेड मतलब इनकी जो फूट होते हैं ना इनके जो पैर होते हैं वो इस तरह से चुपके रहते हैं बॉडी से बिल्कुल इनके पैर ऐसे इस तरह से मान लीजिए इसको सिकोड़ सिकोड़ के आगे बढ़ते हैं मॉल्यूस्क बॉडी जो होती है हार्ड होती है ऊपर से कैल्सीरस होती है कैसी होती है कैल्सीरस होती है एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है रेस्पिरेशन गिल्स से होता है ब्लड ब्लू होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन मिलता है इसमें क्या मिलता है हीमोसाइनिनिन अगर हीमोसाइनिन मिलेगा तो ब्लड कैसा होगा ब्लू ब्लड कैसा होगा ब्लू अगर हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ब्लड कैसा होगा रेड ठीक है ब्लड कैसा होगा रेड आगे आ जाता है एक्सक्रीशन किडनी से होता है एक्सक्रीशन किससे होता है किडनी से जैसे कि रेबिट ऑक्टोपस सी रेबिट रेबिट वो वाला नहीं खरगोश सी रेबिट ऑक्टोपस ऑक्टोपस का देखा है ना जो पैर होते हैं उसके बॉडी से निकले रहते हैं मसल्स और ऐसे ऐसे करके चलता है कटल फिश चलिए आगे आ जाता है फाइलम एकिनोडर्मेटा ये सारे के सारे एकिनोडर्मेटा जो होते हैं ये सारे के सारे सी में पाए जाते हैं मेराइन होते हैं इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है ब्रेन डेवलप नहीं होता और इनके पास स्पेशल रीजनरेशन कैपेसिटी होती है जैसे कि स्टारफिश तो एकिनोडर्मेटा वाले जो होते हैं इनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है जैसे कि स्टारफिश आगे चलिए मेन मेन पे आते हैं अब अब आ जाता है हेमी डेटा पहले ये अलग से रखी गई थी कॉर्डेटा डेटा के अंदर अब ये हेमी डेटा अलग से एक फाइलम बनाई गई है तो कॉडेटा के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं ग्रुप्स में लाइए फिशेस पी आई एस सी ई -E एस तो फिशेस वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं फिशी कल्चर अब आपको दो तीन चीज तो पता चल गई जो जेली फिश है वो भी फिश वाली कैटेगरी में नहीं आती जो स्टार फिश है वो भी फिश वाली कैटेगरी में नहीं आती ये दोनों की दोनों फिश वाली कैटेगरी में नहीं आती ओके कटल फिश भी नहीं आती जेलीफिश स्टार फिश कटल फिश ये फिश वाली कैटेगरी में नहीं आते नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कॉर डाटा से करंट के बीस से पच्चीस क्वेश्चन तो होंगे होंगे बेटा सिंगल सिंगल होंगे कुछ मिलके होंगे के एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं सबसे पहले कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड मतलब ठंडा रक्त जैसे कि कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड उसके बाद में जो इसका हार्ट होता है ये सिर्फ इम्प्योर ब्लड को पंप करता है और इसके दो चैम्बर होते हैं हार्ट में कितने चैंबर होते हैं टू ऑफ ऑफ हार्ट 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 टू जो इनका हृदय होता है उसके अंदर दो चैंबर होते हैं और जो हार्ट ब्लड को पंप करता है जैसे हमारा कैसा करता है आगे बढ़िए ना हमारा कौन सा होता है इम्प्योर ब्लड को पंप करता है हमारा जो हार्ट होता है वो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाता है इनका इम्प्योर को पंप करता है और इसके अंदर कई सारी क्लास हैं, जैसे एक है साइक्लोस्टोमेटा इसमें जॉलेस फिशेज आती हैं, मतलब जिसके जबड़ा नहीं होता दूसरी होती है कार्टिलीजिनस, जिनके अंदर जैसे शार्क मछली एक होती है ऑस्टिचाइट्स इनके अंदर बोनी फिश आती हैं, जैसे कि आपका सी हॉर्स एक बच्चा कह रहा था सी हॉर्स एक तरह की मछली है बोनी फिश है हिप्पोकैम्पस कैंपस आगे समुद्री घोड़ा इसमें आता है फिशेस में पी आई एस सी ई एस ग्रुप में कॉडाटा वाले ग्रुप में फाइलम होती है कॉडाटा और क्लास होती है ऑस्टियोचाइड्स रेस्पी रेशन जो होता है वो मेनली गिल्स से होता है एग्जांपल है डॉग फिश टॉर्पीडो आदि डाटा के कई ग्रुप हैं जैसे फिशेस हो गया दूसरा हो जाता है टेरोपोडा ग्रुप टेरापोडा ग्रुप उसमें क्या जाते हैं एम्फीबियन और रेप्टिलिया एम्फीबियन क्या होते हैं ये जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं जमीन और पानी लैंड और वॉटर दोनों पे रहते हैं एम्फीबिया और दूसरे वाले जो होते हैं रेप्टिलिया ये रैंक के चलते हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं उसके बाद में रेस्पिरेशन गिल से भी होता है जब पानी में रहते हैं तो रेस्पिरेशन गिल्स से जब जमीन पर रहते हैं तो स्किन और लंग्स से जैसे कि फ्रॉग टोड ये सब वाटर जब फ्रॉग पानी में रहता है तो अपनी स्किन से और जब वो जमीन पर रहता है तो लंग्स से इसी तरह होता है रेप्टिलिया रेप्टिलिया मतलब क्रॉलिंग, जो रेंकर चलते हैं रैंकर चलते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं लिम्स मतलब जो स्केलेटन फ्लेक्सिबल होती है रेस्पिरेशन लंग्स से होता है और इनके जो एक्स कवर जो एक्स होते हैं एक्स चारों तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है हाँ, है वो अंकुर उसके बाद में आ जाती है इसमें क्रोकोडाइल टर्टल कोबरा ऐसा स्नेक है जो नेस्ट बनाता है बाकी कोई नेस्ट नहीं बनाता सी स्नेक जिसको हाइड्रोफिस बोलते हैं सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है और हेलोडर्मा एक पॉइजनस लिजार्ड है आगे शबाश एड्स एड्स माने उतने उड़ने वाले एक हो गया एम्फीबिया एक, एक हो गया रेप्टीलिया मतलब ग्रुप थे सबसे पहले जिसमें फाइलम कॉर्डाटा, उसमें दो ग्रुप थे एक तो फ़िशेस वाला हो गया दूसरा हो गया टेरापोडा टेरापोडा में एक हो गया आपका एम्फीबिया एक, एक, एक हो गया रेप्टीलिया तीसरा है एव्स तो याद रखिए कि जो पक्षी हैं एव्स ये पक्षी होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं अब तक आपने देखा कोल्ड ब्लडेड ये होते हैं वार्म ब्लडेड और सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर फ्लाइट के एडेप्टेशन हो जाते हैं उड़ने के लिए कि जो बोन्स होती हैं वो होलो हो जाती हैं होलो बोन्स और जो बॉडी हो जाती है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है कैसे हो जाती है स्ट्रीमलाइन आगे से पतली बीच से मोटी पीछे से पतली जैसे हवाई जहाज होता है स्ट्रीम इनके अंदर होमोथर्मी होती है याद रखिएगा कि टेम्परेच इनका एनवायरनमेंट कैसा ही हो इनका एनवायरनमेंट कैसा हो ठंड हो या गर्म हो इनका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है जो एव्स वाला ग्रुप होता है बर्ड्स वाला ग्रुप होता है ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है इनको टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं होती इनको टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं होती इसलिए इनको होम्योथर्मी बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाहर का तापमान कैसा ही हो इनके बॉडी का टेम्परेचर सही लंग्स से रेस्पायर करते हैं और इनके जो आगे वाले पैर होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं उड़ने के लिए टीथ नहीं होते इनकी चौंच खाने में हेल्प करती है जैसे क्रो पिकॉक पेरट कुछ फ्लाइट लेस बर्ड्स भी होती हैं जैसे किवी और इमू कुछ फ्लाइट लेस भी होती हैं जो उड़ नहीं पाती हैं और सबसे बड़ी जो बर्ड होती है वो होती है ऑस्ट्रेच सबसे छोटी हमिंग बर्ड इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू अलीपुर कोलकाता और वर्ल्ड का क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका नहीं ज्यादा जीप से तो कुछ क्वेश्चन नहीं थे इसी क्वेश्चन थे बायो के थोड़ा समझना पड़ता है बायो के क्वेश्चंस को आगे आ गया जाता है ममेलिया ममेलिया मतलब ये अभी तक जितने थे ये अंडे देते हैं अब आगे आपका डायरेक्ट जो बेबीज को बर्थ करते हैं मेमेल्स हिट्रोट्रॉफ होते हैं खाना खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं होते हैं मांस भी खाते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं दो बार टूथ आते हैं जितने भी ममल्स होते हैं ना ये डाइफोडेंट होते हैं डाई डोंट मतलब दो बार एक बार दूध के दांत जैसे बच्चों में आते हैं और एक बार बड़े होने के बाद तो डायफोडोंट मतलब दो बार इनके टीथ आते हैं मैमल्स ये डायरेक्ट बेबीज को बर्थ करते हैं मेमेलिया तो कॉर्डेटा जो फाइलम थी उसके कई सारे ग्रुप हुए एक ग्रुप हुआ फिशेस पी आई एस सी एस दूसरा हो गया टेरापोडा तो जो टेरापोडा था इसका पहला क्या हो गया एम्फीबियन दूसरा हो गया रेप्टीलिया तीसरा हो गया एव्स और चौथा हो गया ममल्स जो एम्फीबिया और आपके ये वाले थे रेप्टीलिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं कैसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड इसके जो ममल्स होती हैं इनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता इनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता नो no न्यूक्लियस सिर्फ कैमल और लामा कैमल और लामा, लामा एक भेड़ जैसा जानवर होता है लामा इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है बाकी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता स्किन पे हेयर्स होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं मेमेल्स को भी कई सारों में बांट रखा है जैसे प्रोथेरिया जो एक्स देते हैं मेटाथेरिया ये जैसे कंगारू ये जैसे कंगारू और यूथेरिया जो वेल्ड डेवलप्ड चाइल्ड को जन्म देते हैं मेमल्स बर्थ देती हैं यंग वंस को लेकिन जो एक्डना नाम का होता है और डक बाइल्ड लेटिपस ये एनिमल एक तरीके का ये एग लिविंग मेमल्स हैं तो इसमें दोनों तो तीनों तरह की होती हैं एग भी देती हैं कुछ जैसे कंगारू मतलब इमेचर चाइल्ड डेवलप्ड चाइल्ड नहीं होता जब तक वो माँ की थैली में रहता है और उसके बाद में कुछ बिल्कुल वेल्ड डेवलप्ड चाइल्ड को जन्म देती हैं कुछ जैसे बेट्स वगैरह इनका विजन पुअर होता है इसलिए ये इको लोकेशन नाम की इको लोकेशन इको लोकेशन नाम की टेक्निक से अपने आने जाने का रास्ता देखती है अपने सामने कौन सी चीज है इको लोकेशन अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से चीता सबसे तेज दौड़ता है ब्लूवेल सबसे बड़ी मेमल है स्पाइनी एंट ईटर यह सबसे पुराने जमाने का मेमेल है गोरिल्ला सबसे बड़ा एप है और जो हम लोगों का जन्म हुआ इंसान सबसे ज्यादा किससे मिलते जुलते हैं एप्स से चलिए अब लास्ट में एक बार आपको दिखा देता हूं एक स्लाइड इसको देख लेना और फिर करते हैं क्वेश्चंस कप्तान सिंह देखो बेटा वहीं पे एल पी टू, टू में सुबह पांच बजे की एनिमल्स इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती दूसरी तरफ वर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन होती है प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड फ्लैट फिर आगे सीलेंट्रेटा फ्लैट आर्थोपोडा एनिडा एक्नोडरमेटा और मोलस्क इधर वर्टिब्रेट का देखोगे तो फेसिज रेप्टाइल्स एम्फीबियन ममल और एव्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिए आर्थोपोडा स्केलेटन होता है जॉइंटेड लिम्स होती हैं। इंसेक्ट छह टांग और जो माइरापोइड्स होते हैं उनके कई सारी टांग होती हैं। एंटीना का सिंगल पेयर होता है चलिए अरे मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा हिंदी में अभी आप इसको कर लेने दीजिए सर क्वेश्चन लगा दीजिए कुछ क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन आए होंगे एक बार उन्हें लगा दीजिए देखिए क्या हो गया क्या परेशानी है आपको बताएंगे आप थोड़ा सा ंग दी फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में कंडीशन कैसी हो जाए environment की कंडीशन कैसी हो जाए लेकिन यह अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करता रहता है इसको बॉडी टेम्परेचर इसका सेम रहता है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम होता है चाहे कंडीशन कैसी हो जाए प्ले लिस्ट में मैं चेक करता हूं क्लास के बाद में आर्थोपोड़ा से आया था सबसे बड़ी कौन सी होती है आरपीएफ की करवा दूंगा चलिए कौन से होते हैं बर्ड बिल्कुल सही अभी बताया था बर्ड ये अपने इनके अंदर जिसको एफ्स भी कह सकते हैं इनके अंदर का जो कॉमन टेम्परेचर होता है एक जैसा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती इनमें से कौन से के थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं मतलब देखो अभी क्वेश्चन आया है ना तो आए हुए क्वेश्चन ये सारे के सारे यूपीएससी में ये तो बर्ड्स हो गए अब आ जाता है कि, कि किसके छह टांग होती हैं तीन पेयर्स का मतलब है तीन जोड़े तीन दूरी छह टांग एक में छह टांग होती हैं कौन सी होती है वो बताइए बिल्कुल सही इकसठ का सी बताया था ना बग बग माने क्या बताया था खटमल खटमल इनमें से कौन से का नाम एलिफेंटेसिस नाम, नाम की बीमारी होती है एलिफेंटेसिस नाम की बीमारी किससे होती है एलिफेंटेसिस नाम की बीमारी किससे होती है जो पैर होता है इतना मोटा हो जाता है इतना चौड़ा हो जाता है बग अभी बताया था छह लेख का बग मधुमक्खी मच्छर ये सब क्या होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं खटमल स्पाइडर के आठ होती हैं जो ऑर्गेनिज्म एलिफेंटिस कॉज करता है उसका नाम क्या होता है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी नाम क्या होता है उसका वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी इतना मोटा पैर हो जाता है एलिफेंटिस नाम की जो बीमारी होती है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी आगे वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी फिलेरिया नहीं होता बेटा वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एलिफेंट नाम की बीमारी जो होती है मॉस्क्यूटो बाइट से फैलती है ये किससे फैलती है मॉस्क्यूटो बाइट ट्रॉपिकल डिसीज है ट्रॉपिक्स में होती है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी ब्रुगेया मलाई और ब्रुगेया टिमोरी और 90 परसेंट वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से होती है ये राउंड वोम होता है राउंड वोम क्या होता है ये राउंड वोम गोल वाला वॉर्म राउंड वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी आधो का आंसर गलत है सब ए ए बता रहे थे अब बताइए इसमें क्या होता है काओ को किस श्रेणी में रखोगे किसको किस श्रेणी में रखोगे आए हुए क्वेश्चन से ये भी तो देखो ए का नहीं पता मान लो बी का नहीं पता सी का पता हाउस फ्लाई और डी का काओ किस में होती है काओ किस में होती है डी का एक ममेलिया जो ये आपका होता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम ये क्या होता है प्रोटोजोआ बी का हो गया चार डी का एक बी का चार डी का एक और बी का चार ऑप्शन नंबर ए डी का एक बी का चार ऑप्शन नंबर ए तो कैरिस क्या होता है नीमा टोडा और भैया हा, हाउस फ्लाई क्या होती है आर्थोपोडा, हाउस फ्लाई क्या होती है आर्थोपोडा, छह टांग वाली आर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है ना तो एका तीन एस्केरिस नीमाटोड मलेरिया प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पेरामीसियम अमीबा सारे के सारे प्रोटोजोआ होते थे हाउस फ्लाई का नहीं पता था मान लो काओ का ममेल तो सिंपल लग गया डी का एक बी का चार बाकी सब अपने आप सेट हो गए इसके किसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता फटाफट से बताइए इनमें से किसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता इनमें से किसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो एलगी के अंदर होता है ब्रायोफाइटा के अंदर होता है टेरिडोफाइटा के अंदर होता है पैंतालीस का ए फंगस के अंदर नहीं होता छियालीस ब्रायोफाइट फोटो होते हैं लेकिन इनके अंदर ना तो वास्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम फिलोयम ना ही इनके अंदर ट्रूट तो किसकी वजह से तो ये किसके जैसे लगते हैं ये किसके जैसे लगते हैं ऐसे तो ब्रायोफाइट जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन ट्रू रूट नहीं होती रूट नहीं होती तो ऐसे ब्रायोफाइट इनमें से किसके जैसे दिखते हैं एलगी जैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं एलगी एलगी के अंदर भी तो ट्रू रूट नहीं पाई जाती कैसे दिखते हैं एलगी के जैसे शाबाश मोलस्क में क्या होता है बेटा उसकी जो बॉडी होती है ना जो फीट होते हैं उसके फॉल्स फीट होते हैं बॉडी को ऐसे ऐसे करके चलती है इकट्ठा किया फिर चल गई इकट्ठा किया फिर चल गई ये समझ में आ गया ना छियालीस वाला वास्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन इनमें से वास्कुलर टिश्यू किसके अंदर पाए जाते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर ना थैलो ना ब्रायो ना टेरी लाइकन किसके अंदर पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर शाबाश शाह क्या होते हैं क्या होते हैं सीड होते, है? होते, है? होते, है? अं तो तो होते हैं नॉन होते 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 हैं 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 एंड बी तो तो जाहिर सी बात है देखो ये जिसके अंदर सीड्स और फ्लावर दोनों पाए जाते हैं तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं सीड बियरिंग इनमें सीड होते हैं लेकिन सीड कैसे होते हैं नेकड सीड के ऊपर कोई भी फल नहीं होता बीज के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती इसका बीज ऐसे का ऐसा रहता है बिना कवरिंग का तो सैतालीस का सी अड़तालीस का ए फटाफट बताइए इनके आंसर कि वास्कुलर टिश्यू किसके अंदर पाई जाती है जाइलम फिलोयम टेरिडोफाइटा के अंदर अड़तालीस का ए डी भी होगा इसके अंदर शायद क्योंकि इस पे फ्लावर भी तो नहीं होते आगे बताइए खत्म इस तरीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको जल्दी जल्दी करके कोशिश करके बता दिया देखिए हमारा ग्यारह तारीख की सुबह अगर आप छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आने वाले तीस से चालीस दिनों में आपका पेपर है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज आ रहा है सुबह ग्यारह बजे परसों मतलब कल आज तो शुक्रवार हो गया ना कल शनिवार सुबह ग्यारह बजे तो सरप्राइज को देखना ना भूलें कतई भी क्योंकि वो जो सरप्राइज होगा वो बहुत ही मस्त और ऐसा यूट्यूब के इतिहास में और सरकारी नौकरी की तैयारी के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि तीस से चालीस दिन में ही मात्र आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं बशर्ते आप हमारे साथ बने रहें तब ठीक है भैया चलिए अब कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए ओके भैया ठीक है फिर बताइए कमेंट करके और परेशान होता ना कल और एक क्लास लेंगे देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की और उसके बाद में आप लोग परसों पेपर देकर आना धमाकेदार तरीके से तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद जिंदाबाद ऑल द बेस्ट